told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too. Assalamu alaikum viewers, kaise hain aap sab? Umeed hai sab khairiyat se honge. बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ और प्रोडक्टिव डे रूटीन के साथ नेक्स्ट व्लॉग है मेरा. और यहाँ पे सबसे पहले तो आज मैं धो रही थी कपड़े, और यहाँ पे मैंने कपड़े वॉश करने वाला काम सुबह सुबह शुरू कर लिया था अलीज़ा को स्कूल भेजने के बाद. और यहाँ पे मैं इनको निकाल रही थी, और कुछ अभी मैंने ड्रायर में डालने हैं, और साथ साथ छोटी मशीन भी, मैं दोनों मशीन एक साथ लगा लेती हूँ तो काम बड़ा आसानी से हो जाता है. और उसके बाद इस तरह से मैं साथ साथ ड्राई करती रहती हूँ, उनको खुश करती रहती हूँ ताकि बाकी कपड़ों की भी जगह बनती रहे. तो आज एक और लॉन्ड्री डे था, और लॉन्ड्री डे मेरा काफ़ी बिजी डे होता है, लेकिन आज मैंने ग्रॉसरीज़ के लिए भी जाना था. तो उसके बाद फिर मैं गई थी मार्ट में ग्रॉसरीज़ के लिए, और यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने कपड़े वॉश किए थे, उसके बाद मैंने खाना बनाया था, और फिर मैं ग्रॉसरीज़ के लिए गई थी. तो शॉपिंग व्लॉग भी शामिल है आज के व्लॉग में, तो वीडियो के अंत तक ज़रूर देखिएगा. तो खाने में आज मैं बना रही थी कढ़ी पकौड़ा, और सबकी फेवरेट और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी. तो यहाँ पे मैंने लिया था 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, मैंने उसमें 1/2 कप के करीब ऑयल डाला था, और उसके बाद मैंने इसको थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छे से मेल्ट कर लिया है. अब मैं इसको लाइट ब्राउन कर लूँगी. एक मैंने मीडियम साइज़ का टमाटर इस तरह से काट के रखा हुआ है, और मसाले नमक मिर्च और कुटी हुई लाल मिर्च और पिसी हुई लाल मिर्च दोनों मैंने ऐड की हुई हैं, और ये मैं ऐड कर दूँगी. और यहाँ पे देखिए मैंने थोड़ा सा 2 टेबल स्पून बेसन डाल के यहाँ पे मैंने लस्सी भी बना के रखी हुई है, और लस्सी जो थी ना कुछ थी जो मैंने मक्खन बनाया था घी बनाने के लिए, तो उसके साथ जो लस्सी थी वो थी, और उसके साथ मैंने थोड़ा सा दही ऐड किया था. तो ये जो है ना मेरा मिक्सचर जो है वो बिल्कुल रेडी है. तो यहाँ पे देखिए टमाटर कितने अच्छे से भुन चुके हैं, और मैंने उनको अच्छी तरह से भून लिया था मसाले के साथ, और उसमें मैंने डाल दी थी लस्सी, और लस्सी के साथ मैंने इसमें डाला है कसूरी मेथी 1 टेबल स्पून, और साथ 1 टेबल स्पून मैंने इसमें धनिया डाला है. बहुत अच्छा और बहुत ही प्यारा सा फ्लेवर आता है कसूरी मेथी का इस पॉइंट पर. और यहाँ पर मैंने इसको अब चलाना है थोड़ी देर के लिए, जब तक कि अच्छा सा कढ़ी में बॉयल आ जाए, और उसके बाद मैं इसको स्लो फ्लेम पर रख दूँगी जब तक कि ये गाढ़ी हो जाए, थोड़ा सा मैं इसको गाढ़ा कर लूँगी. तो कड़ी जो थी यहाँ पे हो चुकी थी रेडी. उसके बाद मैंने पकौड़ों के लिए कटिंग की थी, पकौड़ों की सारी चीज़ें मैंने साथ साथ काट ली थी, क्योंकि साथ साथ मैं कपड़े धो रही थी, तो उसकी मैंने वीडियो शूटिंग की है. तो पकौड़े बनाने की रेसिपी मैं बहुत सारी शेयर कर चुकी हूँ अपने चैनल पे, आप वहाँ से देख सकते हैं. और उसके बाद मैंने यहाँ पर फ्राई करने शुरू किए थे पकौड़े, और इसके बाद जो था ना मेरा सालन हो गया था बिल्कुल रेडी, और ये जो थे ना पकौड़े वो मैंने साथ साथ करके फ्राई कर लिए थे. अच्छा, उसके बाद मैं आई थी जी मार्ट में, और यहाँ पे हूँ मैं अपना मार्ट टेक्सला में. और यहाँ पे सबसे पहले तो मैं आई थी डिस्काउंट स्टोर वाले पोर्शन पे, मैंने वहाँ पे कुछ एक दो चीज़ें लेनी थी. तो सबसे पहले मैं ऊपर आई थी, उसके बाद फिर मैं ग्रॉसरीज में गई थी, तो कुछ चीज़ें जो है ना उनकी नई ऐड हुई हैं, और कुछ चीज़ें जो थी ना वो पहले वाले आइटम्स भी थे, और कुछ जो डील्स थी इस रंग की बनी हुई वो उनके पास नहीं आई हैं. तो यहाँ पे मैं ये सारा मैंने इसको विज़िट किया था. कुछ ज़रूरत की चीज़ें लेनी थी वो मैंने ली हैं, लेकिन कुछ नई चीज़ें आई हुई थी वो भी मैंने देखी हैं साथ साथ यहाँ पे. और उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको वैरायटी सारी नज़र आ रही होगी, आप देख सकते हैं. अगर आप करीब की लोकेलिटी में हैं तो आप ज़रूर विज़िट करें, आपको बहुत अच्छी प्राइस में ना और बहुत अच्छी क्वालिटी की यहाँ पे डिस्काउंट स्टोर के आइटम्स मिल सकते हैं. तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो है ना जो डिफरेंट सी थी, ये देखें कितनी प्यारे से 3 बोटल्स का ये सेट बना हुआ था, और आई थिंक 500 ml साइज़ का था ये 3 का, और बड़ा प्यारा सा ये लग रहा था, इतनी क्यूट लग रही थी बोटल्स. और यहाँ पे जो कुछ नई चीज़ें थी आइटम्स, मैं उनको साथ साथ देख रही थी जो पहले मतलब मैं आई थी तो वो नहीं थे. और कुछ चीज़ें यहाँ से मैंने लेनी थी, जो शॉपिंग मैंने यहाँ से किया वो इंशाल्लाह मैं आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी, क्योंकि व्लॉग जो है ना वो फिर बहुत लंबा हो जाना है. तो आप भी ज़रूर विज़िट करें, आपको भी ना घर के किचन के गैजेट्स की बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आसानी से मिल जाएंगी. तो यहाँ पे क्रॉकरी की जो है ना वैरायटी वो बड़ी अच्छी है, मुझे बाकी के डिस्काउंट स्टोर से ना इनकी थोड़ी सी क्वालिटी बेहतर लगी है. तो यहाँ पे मैं साथ साथ कुछ चीज़ें देख रही थी, और कुछ चीज़ें जो मैंने लेनी थी उनको मैं साथ साथ ऐड कर रही थी. और मुझे बेसिकली चाहिए थे पॉट्स चाहिए थे पौधे लगाने के लिए, तो उसके लिए मैं आई थी यहाँ पे, लेकिन उनके पास ऐसा गमले तो नहीं थे, मतलब क्यारी तो नहीं थी, मुझे क्यारी में चाहिए थे. गमले भी थे इनके पास प्लास्टिक के, मुझे बहुत अच्छे लगे, लेकिन वो साइज़ ऑलरेडी मेरे पास था,
तो वो यहाँ से मैंने लिए हैं टब्स के फॉर्म में। अच्छा, ये दूसरा उनका क्रॉकरी सेक्शन है। क्रॉकरी सेक्शन में बहुत अच्छी, बहुत यूनिक और बहुत इंटी किस्म की वैरायटीज़ आई हुई हैं, आप भी ज़रूर विज़िट कीजिएगा। और यहाँ पे अलीज़ा भी घूम रही है साथ साथ, टॉयज उठा उठा के उसको जो जो अच्छे लग रहे थे, और वो भी साथ साथ अपनी शॉपिंग कर रही थी। सॉरी, यहाँ पे मेरी फिंगर आ गई है मोबाइल के ऊपर, मुझे आइडिया नहीं हुआ, जब मैंने आइडिया हुआ तो उसको हटा लिया था, सॉरी फॉर दैट। और उसके लिए उसके बाद मैंने सारा जो है ना इसको एक दफ़ा देखा है, और उसके बाद मैंने जो चीज़ें लेनी थी यहाँ से मैंने उठा ली, और उसके बाद हम लोग चले गए थे ग्रॉसरी सेक्शन में। तो ये जो है ना सेक्शन मुझे बहुत अच्छा लगता है इसका, मुझे है ना कुछ मैं ज़रूर यहाँ से ले जाती हूँ, तो इसको मैं लाजमी विज़िट करती हूँ। और मुझे डिस्काउंट स्टोर के आइटम्स जो है ना उसमें कोई ना कोई चीज़ जो होती है ऐसी होती है जो कि आपको रिजनेबल प्राइस में लग रही होती है, तो आप वहाँ से ले लें, तो मैं लाजमी विज़िट करती हूँ यहाँ का। तो उसके बाद मैंने सारा यहाँ से करने के बाद मैं गई थी नीचे ग्रॉसरी सेक्शन में, कुछ मैंने ग्रॉसरीज किए हैं, और शॉपिंग इंशाल्लाह जो है ना नेक्स्ट मैं आपके साथ व्लॉग में शेयर करूँगी। तो टॉयज़ की भी बहुत बहुत बड़ी वैरायटी है इनके डिस्काउंट स्टोर में, और इस तरह से बाउल्स के सेट्स के और मतलब प्लेट्स के सेट के उस तरह के सेट्स भी बना के उन्होंने रखे हुए, तो आप भी ज़रूर विज़िट कीजिएगा, आपको भी पसंद आएगा। और यहाँ से जो मैंने शॉपिंग की थी वो मैं आपके साथ शो करूँगी। उसके बाद में आई थी ग्रॉसरी सेक्शन में, कुछ मैंने यहाँ से दालें ली हैं और कुछ छोटी मोटी ज़रूरत की चीज़ें ली हैं। ओवरऑल ग्रॉसरीज जो है ना वो मेरी साथ साथ होती रहती हैं, लेकिन मैंने चक्कर लगा था जो चीज़ें ज़रूरत थी वो मैंने ले ली। और यहाँ से मैंने लाल लोबिया लिया है, और साथ जो है ना मैंने ये देखिए ये मिक्स बनी हुई है, मसूर और मूंग की दाल का मिक्स ना एक पैकेट बना हुआ है। तो हमारे घर में ना मूंग की दाल अलग से पसंद नहीं की जाती इतनी, तो मुझे ये अच्छा लगा क्योंकि जब ये बनती है तो दोनों साथ ही बनती हैं, तो ये दोनों साथ के ही ले लेते हैं। तो यहाँ से मैंने एक फ़्रेश वाला पैकेट ले लिया है। यहाँ पे हमारी ग्रॉसरीज़ की शॉपिंग चल रही थी, और कुछ थोड़ा टाइम हमें यहाँ पे लग गया था, और इसके बाद जो है ना हम लोग आ गए थे घर, और शॉपिंग इंशाल्लाह मैं आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। उम्मीद है आपको व्लॉग पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।